अच्छा, मैं आपकी टीचर फ्रामेसस कॉन्वेंट स्कूल। ओके बेटा, आज मैं 8th क्लास के बच्चों को साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जो प्रीवियस वीडियो था हमारा, हमने उसमें क्रॉप के बारे में बताया था बेटा ना आपको, है ना। तो आप क्रॉप के बारे में तो आपको पता चल गया ना, कि सारी जानकारी मिल गई आपको ना, कि क्रॉप होता क्या है। क्रॉप होता है बेटा एक ही तरह के प्लांट्स को, है ना, एक ज़मीन के बड़े भूभाग पे लार्ज स्केल पे लगाना, है ना, उसी को बोलते हैं क्रॉप। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से क्रॉप क्या होता है कि एक एक ही प्रकार का बड़े स्केल पे फसल का उगाना, दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉप। ठीक है, मैं फुल मैन पावर के साथ। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए, अब जो क्रॉप्स दो प्रकार से लगाई जाती हैं, है ना, खरीफ क्रॉप्स होती हैं, रबी क्रॉप्स होती हैं, और जायद क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप पता है कि जो रेनी सीजन में लगाया जाता है ना, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इन जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स, है ना बेटा। कि ये कब लगाया जाता है, जनरली जून टू सेप्टेम्बर के महीने में ये लगाया जाता है। ठीक है, पैडी है, जैसे धान वगैरह की फसल है, ये सारे खरीफ की उसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद है रबी क्रॉप है बेटा। ठीक है, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। वो फसल जो कब लगाई जाए, अक्टूबर से मार्च में लगाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, विंटर सीजन में लगाई जाने वाली क्रॉप को बोलते हैं रबी फसल। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स वीट है, ग्राम है, पी, मस्टर्ड एंड लेन सीड्स हैं। ओके, ये सारे क्या रबी क्रॉप्स हैं। उसके बाद देखिए, समर सीजन में कुछ वेजिटेबल्स लगाई जाती हैं ना, लगाई जाती हैं कि नहीं आप लोगों के घरों में, देखिए तो वो क्या, उसको जायद क्रॉप बोलते हैं। ठीक है ना, आपकी बुक में ये नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ। ओके बेटा, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन। इसमें देखिए क्वेश्चन इस यहाँ पे पूछा गया कि व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन, है ना, जो बूझो है वो क्या पूछ रहा है कि क्यों जो पैडी की फसल है ना, राइस की, वो क्यों विंटर सीजन में नहीं होती है। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। आप देखिए पहले क्या बता रही है कि पैडी को क्या चाहिए, ढेर सारा पानी चाहिए। अब पानी ढेर सारा चाहिए तो बारिश के मौसम में अगर वो फसल लगाई जाएगी तो आसानी से खेतों को पानी मिल जाएगा और वो फसल अच्छी होगी। कहते हैं ना, वैसे भी हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है ना, तो और हमारे अधिकतर किसान किस पर निर्भर हैं, वो मानसून पर ही निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से मानसून के सीज़न में अगर अच्छी वर्षा होती है तो धान की फसल भी अच्छी होती है हमारी, है ना। तो इस प्रकार से जो पैडी की जो फसल है वो हमेशा किस मौसम में होती है, रेनी सीजन में। ओके बेटा, अब देखिए बेटा, अब इसमें बोला गया है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए कल्टीवेशन जो होता है बेटा, उसमें एक पीरियड में ढेर सारी एक्टिविटीज़ फार्मर्स के द्वारा की जाती हैं, कि कल्टीवेशन क्रॉप का जो होता है उसमें फार्मर्स के द्वारा ढेर सारी काम उस पीरियड में किया जाता है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। जैसे आप लोग क्या करते हो, देखते होगे ना, कोई छोटा सा किचन गार्डन बनाता है तो वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग कि जैसे मिट्टी खोदते हैं, फिर उसमें बीज लगाते हैं, सिंचाई करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग, है ना, अपने घरों को सजाने के लिए जो पेड़ पौधे लगाते हो तो उसमें भी ये सब करते हो, तो सेम चीज़ उसमें भी होती है। ओके बेटा, हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।